एज ए इंटरनेशनल प्लेयर आई प्लेड मोस्ट ऑफ द गेम्स फ्रॉम J&K एंड आई प्लेड ऑल द क्रिकेट इन इंडिया. वहाँ पे मुझे पता चला कि नहीं यार, क्रिकेट खेलना अलग है और क्रिकेट को समझना अलग. कोई भी एक्सक्यूज हो, कोई भी चीज़ हो, लाइक हमें लगता है फैमिली सपोर्ट नहीं है, फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है, लेकिन अगर आपका ड्रीम आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, यू विल मेक इट हैपन नो मैटर व्हाट. अगर नहीं है, यू विल फाइंड एक्सक्यूजेस. ऑल्स रही है आपकी, क्या कोई रोल मॉडल रहा है आपका, जिस तरीके से आप फिर जिंदगी में आगे बढ़े? मेरे लिए मेरे रोल मॉडल जो है, मेरे इंस्पिरेशन जो थी पहले से, मेरे डैडी थे, क्योंकि वो भी फुटबॉल में ही थे, वो फुटबॉल खेलते थे प्रोफेशनल फुटबॉल, तो वैसे ही मेरे इंस्पिरेशन बन गए. जैसे फ्लड लाइट्स जो एक कंसेप्ट था ही नहीं, टीवी पे लोगों ने देखा होता था फ्लड लाइट्स में, तो आजकल अगर आप देखेंगे अनंतनाग में, उनकी असीर हमदान अगर देखें, काफ़ी फार फ्लंग एरिया है, वहाँ पे फ्लड लाइट्स लगे हैं, बच्चे शाम को खेल रहे हैं, अनंतनाग में खेल रहे हैं, शुपयां में खेल रहे हैं, और यहाँ पे श्रीनगर में बहुत सारे ग्राउंड्स में. आप देख रहे हैं एशियन न्यूज़ हब, और इस वक्त हम TRC टर्फ ग्राउंड श्रीनगर में मौजूद है. जैसा कि आप सब जानते हैं, अगर हम वादी कश्मीर की बात करें तो यहाँ पर जो यंगस्टर है वो होनहार है, मेहनती है, और टैलेंट भी उनमें बहुत ज़्यादा है, जिससे कि उन्होंने न सिर्फ जम्मू कश्मीर का नाम बल्कि पूरे मुल्क का नाम रोशन किया है इंटरनेशनल नेशनल लेवल पर. यहाँ पर हमारे साथ जो शख्सियात मौजूद है, मुझे यकीनन ये बोलने में कोई हिचकिचाहट नहीं हो रही है कि ये सब ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको आप बहुत ही अच्छे से जानते होंगे, और इनको ये किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है. यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है परवेज़ रसूल, जो कि इंटरनेशनल क्रिकेटर है. आपसे जानना चाहेंगे, आप यहाँ पर आज मौजूद है, आप स्पोर्ट्स के साथ एक क्लोज कनेक्शन रहा है आपका, और इस वक्त अगर देखा जाए तो यंगस्टर्स भी स्पोर्ट्स में जो है आप इन्वॉल्व हो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो है यंगस्टर्स कहीं ना कहीं दूर भी हो रहे हैं इससे, चाहे फ़ोन्स की वजह से, चाहे हम यहाँ जो है स्कूलिंग की वजह से, एजुकेशन की वजह से दूर भी हो रहे हैं स्पोर्ट्स से लोग, उनके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं, मुझे अब लग रहा है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, इफ़ यू सी स्पोर्ट्स, अगर 5 साल पहले आप स्पोर्ट्स की बात करते तो मुझे लग रहा है कि एक ऐसी चीज़ थी कि बच्चों को कुछ करने के लिए कुछ था ही नहीं. अगर आप आज देखेंगे पिछले 5 साल से, मतलब एवरी डिस्ट्रिक्ट देर इज़ इंडोर स्टेडियम इज़ देयर, मतलब बाकी स्टेडियम्स बन रहे हैं. अगर मैं क्रिकेट की बात करूँगा, हमारे पास पूरे J&K में 2 ग्राउंड्स हमारे पास थे जहाँ पे क्रिकेट खेली जाती थी, मतलब टर्फ विकेट जहाँ पे होती थी. बट अगर आप देखेंगे अभी साउथ कश्मीर में, इफ़ यू सी ओनली साउथ कश्मीर, ऑलमोस्ट 5 जगह टर्फ विकेट बनी है. उसमें उससे क्या हो रहा है, तो बच्चे आ रहे हैं. अगर आप आज कहीं पर भी जाएँगे, स्पोर्ट्स की बात करता हूँ मैं, खासकर क्रिकेट की, छोटे छोटे ग्राउंड में आप देखेंगे बच्चे खेल रहे हैं. वाई? बिकॉज उनको लग रहा है कि नहीं, स्पोर्ट्स में अब फ्यूचर है. जब हमारे बच्चे आ रहे हैं, अगर आप लास्ट ईयर की बात करेंगे, मतलब लास्ट ईयर 4 बच्चे हमारे IPL में खेले, इस साल 5 से 6 बच्चे हमारे IPL में खेल रहे हैं, और डिफरेंट रोल्स में एज ए नेट बॉलर 6-7 बच्चे हैं. मुझे ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है 10-11 बच्चे जो हमारे IPL टीम्स के साथ है. ये पहले होता ही नहीं था. जब आई प्लेड फॉर इंडिया एंड IPL एज वेल, उस टाइम 1 बच्चा था. उसके बाद मुझे लग रहा है कि जैसा स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर था ही नहीं, मुझे लग रहा है कि अगर उस टाइम ऐसी चीज़ें होती तो मुझे लग रहा है कि मेरा गेम ज़्यादा इम्प्रूव होता. बिल्कुल, डेफिनेटली. तो बट आज भी मैं स्पोर्ट्स के साथ जुड़ा हूँ. आई टेक केयर ऑफ साउथ कश्मीर क्रिकेट अकेडमी ऑल्सो फ्रॉम स्पोर्ट्स काउंसिल. तो वहाँ के बच्चे मुझे लग रहा है कि ऑलमोस्ट हर डिस्ट्रिक्ट से आ रहे हैं और वहाँ पे खेल रहे हैं. वहाँ पे फैसिलिटी हमने क्रिएट की है, टर्फ विकेट है, जो मतलब ख्वाब था एक बच्चे का. यहाँ पे हमेशा यही चीज़ थी कि टर्फ विकेट हमारे पास नहीं, बच्चे खेलते थे एक मैट पे खेलते थे. अच्छा, पर भी सब आपसे पूछना चाहेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर की जिस तरीके से आप बोल रहे हैं, कमी बहुत ज़्यादा थी यहाँ पर, और आज आप कह रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया है, अपग्रेड किया गया है इंफ्रास्ट्रक्चर को, इसमें ये लोगों के लिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है स्पेशली यंगस्टर्स के लिए? मुझे लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा. अगर आप देखेंगे, वही मैं कह रहा था, सारे बच्चे आज क्रिकेट खेल रहे हैं या बाकी गेम्स में आ रहे हैं. मतलब अगर आपको, मतलब पिछले 2-4 साल पहले अगर आप बात करते, मैं भी था, 6 बजे के बाद हम कुछ कर भी नहीं पाते थे. आज अगर बच्चे देखेंगे हर जगह स्पोर्ट, जैसे मैं आई बिलोंग टू अनंतनाग, मतलब हमारे इलाके में एक इंडोर स्टेडियम बना है, इंडोर गेम्स जहाँ पे खेली जाती है, शाम के 7 बजे 8 बजे खुला रहता है, बच्चे जाते हैं ट्रेनिंग करते हैं, रात में भी, अब रात में भी. और उसके बाद अगर आप देखेंगे, जैसे फ्लड लाइट्स जो एक कंसेप्ट था ही नहीं, टीवी पे लोगों ने देखा होता था फ्लड लाइट्स में, तो आजकल अगर आप देखेंगे अनंतनाग में, उनकी असीर हमदान अगर देखें, काफ़ी फार फ्लंग एरिया है, वहाँ पे फ्लड लाइट्स लगे हैं, बच्चे शाम को खेल रहे हैं, अनंतनाग में खेल रहे हैं, शुपयां में खेल रहे हैं, और यहाँ पे श्रीनगर में बहुत सारे ग्राउंड्स में लगी हैं. मुझे लग रहा है काफ़ी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप हुआ और बच्चों के लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है. इससे पहले नहीं होती थी, इससे पहले बहुत टफ काम था. एक्चुअली क्या होता था, जब क्रिकेट खेलने के लिए जाता था तो उस बेचारे को अपने इलाके में ज़्यादा से ज़्यादा एक मैट का विकेट होता था, जहाँ पर वो
जो मेन ट्रेनिंग है वो नहीं कर पाता था. वाई? बिकॉज उसको मेन चीज़ फिर टर्फ पे खेलना होता था. बिल्कुल, बिल्कुल. आज आप हर जगह हर डिस्ट्रिक्ट में टर्फ विकेट देखेंगे, तो बच्चों के लिए अपॉर्चुनिटी है. और अगर आप कहीं पे भी जाएंगे, आप बच्चों को ट्रेनिंग और एक प्रोसेस उनको लगा है कि प्रोसेस कैसे फॉलो करते हैं. आपको पूरी ट्रेनिंग करनी है, आपको फिटनेस का काम करना है. अगर आप अभी देखेंगे हमारे ग्राउंड में सात बजे मतलब शुपियन से कुलगाम से बच्चे आ रहे हैं, वो सुबह ट्रेनिंग करते हैं, फिटनेस करते हैं. अच्छा, पर सब आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगी, क्योंकि कश्मीर का और क्रिकेट का एक क्लोज कनेक्शन है. पीपल लव वॉचिंग क्रिकेट हेयर, पीपल लव प्लेइंग क्रिकेट हेयर. आपको क्या लगता है कि क्या कोचेज का जिस तरीके से ट्रेन करना इन स्टूडेंट्स को, या जिनको हम कहेंगे एस्पायरिंग क्रिकेटर्स को, क्या वो सही जा रहा है? क्या अभी भी अपॉर्चुनिटीज़ है क्रिकेट में? नहीं नहीं, डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि दिन ब दिन अपॉर्चुनिटीज बढ़ती जा रही है. सिर्फ एक चीज़, जैसे आपने कहा कोचेज का इंपॉर्टेंट रोल है, बट उसमें मुझे लग रहा है कि कोचेज थोड़े बहुत यहाँ पे कम हैं जो हमारे एक्स क्रिकेटर है. बट उनको जाना चाहिए, कोई लेवल वन लेवल टू करना चाहिए, सो दैट कि मतलब एक क्रिकेटर, जैसे मैंने आई प्लेड फॉर इंडिया, आई प्लेड फॉर कंट्री, इसका मतलब ये नहीं कि मैं अच्छा क्रिकेटर होकर एक अच्छा कोच बन सकता हूँ. उसके लिए आपको जाना पड़ता है, लेवल करना पड़ता है, सो दैट कि आपको डिफरेंट एस्पेक्ट्स गेम के समझ आएंगे. मैं रिसेंटली लेवल टू किया मैंने, और मुझे एज ए इंटरनेशनल प्लेयर आई प्लेड मोस्ट ऑफ द गेम्स फ्रॉम J&K एंड आई प्लेड ऑल द क्रिकेट इन इंडिया. वहाँ पे मुझे पता चला कि नहीं यार, क्रिकेट खेलना अलग है और क्रिकेट को समझना अलग. बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल. तो वो मुझे लग रहा है कि वो एज ए कोच जो क्रिकेटर है, अच्छा खेला है, मुझे लग रहा है वो ज़्यादा समझ सकता है. बट उनको जाना चाहिए, कोर्सेज करना चाहिए, सो दैट कि वो प्रॉपर ट्रेनिंग दे सके. बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया. तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि कोचेस की कहीं ना कहीं कमी नज़र आ रही है, जिसकी वजह से जो है एक अपॉर्चुनिटी जो स्टूडेंट्स को या एस्पायरिंग जो क्रिकेटर्स होती है उन्हें मिलना चाहिए, कहीं ना कहीं वो लैग करते सिर्फ इस वजह से क्योंकि कोचेस की कमी है. यहाँ पर एक और शख्सियत हमारे साथ मौजूद है, इंशा बशीर हमारे साथ मौजूद है, जो कि इंटरनेशनल बास्केटबॉल प्लेयर हमारे साथ मौजूद है. आपसे पूछना चाहेंगे, चूँकि आप जिस तरीके से खेलती है, आपने जिस तरीके से अपने कश्मीर का नाम रोशन किया है मुल्क भर में और इंटरनेशनल लेवल पे, आप एक इंस्पिरेशन बन गई है लड़कियों की, क्या कुछ कहना चाहेंगी? सी आई थिंक जब मैंने स्टार्ट किया था ना, तो दैट टाइम पे मैं लेक कर रही थी कि आई विश कि मेरे लिए कोई रोल मॉडल होता, क्योंकि बिफोर मी कोई ऐसी लड़की आई नहीं थी कि जो मेरे रोल मॉडल होती और मैं उसको देख के कुछ कर पाती, ऑन व्हील्स आई मीन, बिकॉज आई एम ऑन व्हील चेयर. तो फीमेल में से कोई भी, किसी ने भी ऑन व्हील्स कोई भी स्पोर्ट्स में, ना डिस्ट्रिक्ट, ना स्टेट, ना नेशनल, ना इंटरनेशनल्स खेला था. तो मैं ऐसे 5-6 साल की पहले की बात कर रही हूँ. बट आफ्टर जब मैंने स्टार्ट किया, सो जब मैंने ग्रेजुअली इसमें इम्प्रूव किया, ग्रेजुअली एक्सेल किया, पहले डिस्ट्रिक्ट, फिर स्टेट, फिर नेशनल, इंटरनेशनल्स, सो अब मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे लोग जो है वो मुझे कांटेक्ट कर रहे हैं थ्रू सोशल मीडिया या किसी भी तरीके से, वो कांटेक्ट कर रहे हैं कि हमें भी आपके जैसे बनना है. तो वो मेरे लिए बहुत प्राउड मोमेंट होता है कि थैंक गॉड मैंने इनिशिएटिव लिया. अगर मेरे पास रोल मॉडल नहीं था, तो दैट टाइम पे मैंने यही सोचा था कि अगर नहीं है तो आई विल बिकम वन. इंशा बशीर हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, जो कह रही है कि इन्हें बड़ा फख्र होता है जब इनको रोल मॉडल कहा जाता है और इनको रोल मॉडल माना जाता है. इन्होंने अपनी ज़िंदगी में जिस तरीके से इनिशिएटिव लिया, शायद ही कोई ये सोच सकता है. आपकी मैसेज क्या रहेगी, क्योंकि फीमेल्स को एक तरीके से एक बैरियर क्रिएट किया जाता है, सोसाइटल बैरियर होता है, पेरेंट्स के सपोर्ट में कहीं ना कहीं कमी रह जाती है, उसके बावजूद भी एक लड़की जो है उन बैरियर्स को क्रॉस करके आगे अपना नाम रोशन करती है, उनके लिए आपकी मैसेज क्या रहेगी जो अभी भी कोई इनिशिएटिव लेने से डरती है, कोई पॉजिटिव इनिशिएटिव लेने? सी लाइफ इटसेल्फ एक मैसेज है, इट शुड बी इंस्पायरिंग. कोई भी एक्सक्यूज हो, कोई भी चीज़ हो, लाइक हमें लगता है फैमिली सपोर्ट नहीं है, फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है, लेकिन अगर आपका ड्रीम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यू विल मेक इट हैपन नो मैटर वट. अगर नहीं है, यू विल फाइंड एक्सक्यूजेज ओनली. लेकिन जब आपका ड्रीम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जब आप उस पर काम करते हैं, इनिशिएटिव लेते हैं, डेडिकेशन दिखाते हैं, आपको लाइफ में अच्छे लोग भी मिलते हैं हेल्प करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए भी. जैसे इस बार जो है ना स्पोर्ट्स सिलेक्शन कैप, वो J&K में फर्स्ट टाइम हुआ स्पोर्ट्स काउंसिल का, उसमें बहुत सपोर्ट है. सेक्रेटरी मैम ने खुद किया, क्योंकि वो वुमेन्स कैंप था. और इससे पहले अब मैंने बोला कि 5 साल पहले कोई ऑन व्हील्स गेम्स खेलता, और इस बार नेशनल सिलेक्शन कैंप यहाँ पे हुआ. सो इनिशिएटिव लेने से ही हम कुछ कर सकते हैं. हाँ, हर्डल्स आते हैं, इजी कुछ भी नहीं होता है, डिफिकल्टीज आती है, लेकिन जब वो हर्डल्स आते हैं, जब
हम चैलेंज फेस करते हैं ना, उसी से है हम उभर के आते हैं और उसी से हमें हिम्मत भी मिलती है और बड़ा टेस्ट आ जाता है जब हमें सक्सेस मिल जाता है। बहुत शुक्रिया आपका। तो इन्होंने कहा कि जिस तरीके से आप जब हर्डल्स को क्रॉस करते हो, चैलेंजेस को ओवरकम करते हो, तो तभी आपको भी खुद पे फख्र होता है और आप न सिर्फ कश्मीर का, न सिर्फ वादी कश्मीर का नाम रोशन करते हैं बल्कि आप नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर जो है अपना नाम रोशन करते हैं, अपने घर वालों का नाम रोशन करते हैं, अपने मुल्क का नाम रोशन करते हैं। यहाँ पर एक और शख्स हमारे साथ मौजूद है, दानिश फारूक इनका नाम है, जो कि इंटरनेशनल फुटबॉलर और कोच है। आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि फुटबॉल के साथ भी यहाँ के बच्चों का एक बहुत ही क्लोज कनेक्शन है, बहुत शौकीन है यहाँ के जो यंगस्टर्स हैं, फुटबॉल खेलना चाहते हैं, फुटबॉल में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो आपसे पूछना चाहूँगी क्या कुछ इंस्पिरेशंस रही है आपकी, क्या कुछ, क्या कोई रोल मॉडल रहा है आपका जिस तरीके से आप फिर जिंदगी में आगे बढ़े? मेरे लिए मेरे रोल मॉडल जो है, मेरी इंस्पिरेशन जो थी पहले से मेरे डैडी थे, क्योंकि वो भी फुटबॉल में ही थे, फुटबॉल खेलते थे प्रोफेशनल फुटबॉल, तो वैसे ही मेरे इंस्पिरेशन बन गए थे वो। तो तब से मैं बहुत छोटा था जब मैंने स्टार्ट किया था फुटबॉल खेलना, तो फिर मैं उसके बाद J&K में एकेडमी में सिलेक्ट हो गया था, तो वहाँ से मेरा जो ग्रास रूट जो है, बेसिक्स जो है, वो ठीक हो गए थे। तो उसके बाद मैंने आहिस्ता आहिस्ता रियल कश्मीर ज्वाइन किया उसके बाद, तो और अभी मैं इंटरनेशनल में, मतलब नेशनल टीम भी वहाँ पर भी मैच खेले, और अभी मैं करंटली केरला ब्लास्टर्स के लिए फुटबॉल खेलता हूँ। अच्छा, आपसे पूछना चाहूँगी क्योंकि जिस तरीके से यहाँ के यंगस्टर्स भी जो है फुटबॉलर बनना चाहते हैं, इस फील्ड में आगे जाना चाहते हैं, उनके लिए क्या कुछ मैसेज रहेगी आपकी, और खसूसी तौर उनके लिए रोड मैप क्या रहेगा? बिल्कुल, आप देखिए अभी यहाँ पर मैं बोलूँगा कि यहाँ पर बहुत इंप्रूव हो रहा है, क्योंकि ग्रास रूट लेवल पे पहले यहाँ पर नहीं था ऐसा, तो अभी ग्रास रूट लेवल पे बहुत काम हो रहा है यहाँ पर, जो कोच है वो काम कर रहे हैं छोटे बच्चों के लिए, तो आई थिंक वो एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि वहाँ से ही स्टार्ट होता है एक फुटबॉल एज, आई थिंक 5-6 ईयर से स्टार्ट होता है, पहले ऐसा नहीं था, पहले हम लोग पहले 10-11 साल से स्टार्ट करते थे इधर, तो वो अच्छी चीज़ है। तो उनके लिए यही मैसेज रहेगी कि हार्डवर्क करते रहे और जो उनको कोच बताते हैं वो करें, और अच्छा डाइट, अच्छी नींद और हाइड्रेशन, वो सबसे इम्पोर्टेंट। थैंक यू सो मच। तो यहाँ पर हमारे साथ इंटरनेशनल प्लेयर्स मौजूद थे जिन्होंने वादी कश्मीर का नाम जो है मुल्की सतह पर, बैन अलाक्वामी सतह पर रोशन किया है। आपको बता दें जो इनकी मैसेज है, इनकी मैसेज यही है कि डेडिकेशन के साथ अगर हम आगे बढ़ते हैं, एक इनिशिएटिव लेते हैं अपने गोल्स को फुलफिल करने के, तो वो गोल फुलफिल ज़रूर होता है। जिस तरीके से यहाँ पर इंशा बशीर जो कि यहाँ पर व्हील चेयर बास्केटबॉल प्लेयर है, तो उनसे भी हमने बात की, उन्होंने भी कहा कि डेडिकेशन इज की टू सक्सेस। अगर डेडिकेशन आप रखेंगे अपने आप में, ओके, अपने मन में ठान लेंगे कि आपको कुछ करना है तो आप आगे बढ़ेंगे। इसी के साथ इन्होंने जिस तरीके से डाइट का जिक्र किया है, नींद ज़रूरी है, हाइड्रेशन ज़रूरी है, ये सब चीज़ें भी एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट होती है, लाइफस्टाइल एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट होता है। एशियन न्यूज़ हब के लिए श्रीनगर से फजा जाना।